नमस्कार, मैं हूँ ऋचा तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी फर्स्ट। हमारे देश में बेटियों को देवी का रूप माना जाता है, लेकिन इस बारे में कितनी सच्चाई है इस वाक्य में और साथ ही साथ हमारे देश की जनता इस बारे में क्या सोचती है, आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बारे में उनकी क्या राय है। क्या नाम है मैम आपका? श्रीमती कालिंदी भारद्वाज जी। तो दशहरा आने वाला है और दशहरे को लेकर आप कितना एक्साइटेड हैं? दशहरे को लेकर के तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई खास प्लानिंग की हुई है आपने दशहरे के लिए? नहीं, वैसा खास प्लानिंग तो नहीं है, अभी देखते हुए जो कोरोना वायरस को देखते हुए ऐसा कोई खास प्लानिंग नहीं। अच्छा, तो जैसे कि हमारे देश में बेटियों को देवी का रूप माना जाता है, नवरात्रि भी चल रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप अपने आप को इस देश में एकदम सुरक्षित महसूस करती हैं? ऐसा है कि देवी माना गया है, बट ये है कि अब मैं कहना नहीं चाहूँगी, वैसा सुरक्षित जो देश माना जाता हमारा इंडिया को जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं। आपकी क्या राय, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं? नहीं, मैं तो अपने आप को तो सुरक्षित महसूस करती हूँ, मगर जो बच्चियाँ छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, जो और भी गर्ल्स हैं, जो पढ़ने वाली बच्चियाँ जो हमारे सिटी में आती हैं, अगर वो कभी रात को जा रही हैं आ रही हैं तो उनको सुरक्षित देखिए देखा नहीं जा रहा है, और हर जगह देखिए हैपनिंग हो रहा है, बच्चियों के साथ हो रहा है, तो इससे मैं असहमत हूँ। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है मैम आपका? तान्या कृष्ण मुरारी। ओके, सो मैम दशहरा आ रहा है तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आप दशहरे को लेकर कितना एक्साइटेड हैं? काफ़ी एक्साइटेड हैं, नवरात्र भी है तो उसके लिए हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। कोई खास प्लानिंग की हुई है दशहरे को लेकर? कोई खास प्लानिंग नहीं है, बस बच्चे हैं तो उनको ले जाके दिखाना है, और इस समय कोरोना है तो उसके लिए भी हम लोगों को प्रिकॉशन लेके ही जाएंगे, बच्चों को मास्क पहना के सैनिटाइज करके, दूर से ही हो सकेगा तो दिखा के लेके आएंगे, क्योंकि बच्चों में क्रेज़ ज़्यादा है रावण को लेके, और उनको देखते हुए हमको करना है। मैम जैसे कि नवरात्रि चल रही है और हमारे देश में देवी माँ का रूप माना जाता है औरतों को, बेटियों को, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस बारे में आपकी क्या राय है कि हमारे देश में की बेटियाँ जो हैं वो कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं, और आपकी क्या राय इस बारे में? देश में सुरक्षित तो नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि कई कई जगह ऐसी हैं या रात में स्पेशली जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा सेफ़ अपने आप को महसूस नहीं करती हैं, और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए रेपिस्ट के लिए, स्ट्रिक्ट अगर कोई सज़ा होगी तो शायद लोगों में डर आए, और जो ये केसेस होते हैं या लड़कियों में जो डर है रात को लेके स्पेशली या सुनसान जगह को लेके वो शायद ना रहे। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? अजय। दशहरा आ रहा है तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि दशहरे को लेकर आप कितना एक्साइटेड हैं? मैम बहुत एक्साइटेड है, ये हम लोग का मतलब समझ लीजिए दिवाली और दशहरा बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, और इसी को मनाने के लिए लोग इंतज़ार करते हैं वर्षों तक, है ना जी। तो कोई खास प्लानिंग कर रखी है आपने दशहरा को लेकर के? मैम हमारी तो कोई खास प्लानिंग नहीं है, बाकी हम लोगों की शॉप है भाई, उसी के लिए तो प्रिपरेशन करते हैं जी। जैसा कि नवरात्रि चल रही है और हमारे देश में जो बेटियां हैं औरतें उनको देवी का रूप माना जाता है, नवरात्रि में देवी माँ की पूजन भी होता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी क्या राय है इस बारे में कि हमारे देश की जो औरतें हैं वो कितना सुरक्षित हैं? मतलब अभी तो जिस हिसाब से जो हालिया घटना हुई है उसमें बहुत ही कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यह है हम लोग नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत ही ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। क्या नाम है सर आपका? अजय यादव। दशहरा आ रहा है तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि दशहरे को लेकर आप कितना एक्साइटेड हैं? हर साल की अपेक्षा इस बार मतलब बहुत ज़्यादा रश नहीं है बाजार जी, जैसे कि दो साल से लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना चल रहा था, पर अभी तो मार्केट खुल गई है और पिछली बार के मुकाबले अभी तो काफ़ी कुछ खुल गया है, सब हो रहा है, तो दशहरे को लेकर अभी क्या आपका मानना है? देखिए दशहरा अभी बहुत दूर है मैडम, बहुत चहल पहल आप स्वयं देख रही हैं, है नहीं, तो आपकी कोई खास प्लानिंग नहीं है अभी इस बार दशहरे को लेकर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि नवरात्रि चल रही है और हमारे देश में देवी माँ का रूप माना जाता है औरतों को और बेटियों को, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस बारे में आपकी क्या राय है कि हमारे देश की जो औरतें और बेटियाँ हैं वो कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? सुरक्षित तो सभी लोग हैं। आपको लगता है कि देश की औरतें और बेटियाँ सब सुरक्षित हैं? हाँ बिल्कुल सुरक्षित है। अच्छा, रात में आप अपने घर की बेटियों को निकलने की इजाज़त देते हैं, आप अगर नहीं लेके जाते हैं या आपके घर की जो भी लेडीज़ होंगी? जी बिल्कुल, जाने की इजाज़त देते हैं।
और नहीं जाएंगे तो फिर कैसे, कब तक घर में आदमी छुप के बैठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा अमित कुमार यादव नाम है। दशहरा आने वाला है तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि दशहरे को लेकर आप कितना एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड का क्या, सारी चीज़ों में तो मंदी है फिलहाल, और एक्साइटेड का कोई मतलब नहीं है, पहले ऐसा त्यौहार भी नहीं रहा है जी। पर जैसे कि पिछले 2 साल से लॉकडाउन लगा हुआ था और इस बार 2 साल बाद मार्केट खुली है, पहले से ज़्यादा चहल पहल भी दिख रही है मार्केट में, तो उस हिसाब से मैं जानना चाह रही हूँ आपसे कि क्या कुछ स्पेशल प्लानिंग कर रखी है आपने दशहरे को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, स्पेशल प्लानिंग तो नहीं है फिलहाल दशहरे का। अभी जगह जगह कोविड का पालन किया जा रहा है, इसलिए दुर्गा पूजा जहाँ भी स्थापित किया जा रहा है तो वहाँ हो नहीं रहा है, तो कोई बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास नहीं है। ठीक है सर, जैसे कि नवरात्रि चल रही है और हमारे देश में बेटियों को देवी का रूप माना जाता है, तो मैं इस बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि आपका क्या मानना है इस बारे में कि हमारे देश की जो औरतें हैं या बेटियां हैं वो कितना सुरक्षित हैं? डेफिनेटली उनको देवी का रूप दिया गया है तो भाई उनको सम्मान भी मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें ठीक हैं। और आज के दौर में तो कहाँ नहीं, ऐसा जितनी भी इनकी योजनाएँ हैं जो भी महिलाओं के लिए दिया जा रहा है उसमें वो सुरक्षित नहीं है, आए दिन जो है घटनाएँ घटी रही, आप जान ही रही, ऐसा और कुछ नहीं। क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर पूर्वा। ओके, सो दशहरा आ रहा है तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि दशहरे को लेकर आप कितना एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा। एक्चुअली डॉक्टर्स को तो वैसे भी कम छुट्टी मिलती है और स्पेशली जब दशहरे में छुट्टी मिलती है तो आदमी, और लॉकडाउन के बाद इतना खुला है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो घूमेंगे विद सेफ्टी। कुछ स्पेशल प्लानिंग कर रखी है दशहरे को लेकर? या मेरी फैमिली आई हुई है तो हम लोगों का 9 दिन का फेस्टिवल होता है प्रॉपर, तो फिर वही शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं और सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से। ओके, सो जैसे कि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में देवी माँ का पूजन चल रहा है हर तरफ, और हमारे देश में बेटियों को देवी का रूप माना जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इस बारे में आपकी क्या राय है कि ये जो सेंटेंस है इसमें कितनी सच्चाई है, क्या आप अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करती हैं? देखिए डिपेंड करता है, हर कोई भी जगह बहुत ज़्यादा सेफ या बहुत ज़्यादा अनसेफ नहीं होती है, ठीक है, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के लोग उसको सेफ और अनसेफ बना रहे हैं। देखिए बेटियों को देवी माना जा रहा है सही बात है, लेकिन हर जगह वो उतना सिक्योरिटी, उतना सेफ फीलिंग नहीं आ पा रहा है अभी भी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमारे कंट्री में, बहुत ज़्यादा। क्या नाम है सर आपका? आशुतोष। हम जो है ये जानना चाहते हैं आपसे कि दशहरा आने वाला है तो दशहरे को लेकर आप कितना एक्साइटेड हैं? पूरी आपके सामने तैयारी चल रही, देख लीजिए अब। ये तो नवरात्रि के लिए हो गया, इसके बाद देखिए क्या होता है, ये हमारा ये फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है तो प्रोसेस उसी वही चल रहा है, नवरात्रि के बाद तैयारी पूरी है, एक्साइटमेंट पूरा है, लेकिन थोड़ा सेफ्टी भी ध्यान देके चल रहे हैं हम लोग, दोनों चीज़ें जरूरी है। जैसे कि हमारे देश में देवी माँ का रूप माना जाता है बेटियों को, औरतों को, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ये आज से तो नहीं माना जा रही, तो परंपरा हमारी बहुत पुरानी है तो वही फॉलो हो रहा, और ये मानना सही भी है और मानने भी चाहिए, इससे सामाजिक जो भी जैसे कि जो औरतों का जो माना जाता है कि इससे उनका सम्मान बढ़ेगा, ये जरूरी भी है हमारी तरफ से। जी वो है, लेकिन आज के टाइम में हमारे देश की जो औरतें हैं या आपके घर की भी लेडीज़ होंगी, आपको क्या लगता है कि वो आज के टाइम में कितना सेफ हैं? अभी देखिए क्या होता है कि अभी जो सिस्टम चल रहा है तो मेरे हिसाब से सेफ है, ये मैं ये नहीं बोल सकता पूरा सेफ है, लेकिन सेफ है। थोड़ा सा औरतों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कब कब निकलना है, कहाँ नहीं निकलना है, ये अभी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहे हैं, प्रिकॉशन तो आपको लेना पड़ेगा हर जगह। मैं उसी सुरक्षा की बात कर रही हूँ कि जैसे कि ये बात आ जाती है कहीं ना कहीं कि ध्यान जैसा कि आपने बोला कि ध्यान दे के चलना पड़ेगा, और कब निकलना है कब नहीं निकलना है ये सारी बातें आ जाती है, तो फिर वो सुरक्षित कहाँ हुई? नहीं क्या, अब ये मुझे बताइए, अगर रात को 2 बजे निकलेंगी आपको पता वहाँ जाना ठीक भी नहीं है, फिर भी जाएंगे तो फिर गलत होगा ना वो? नहीं, तो बात ये होती है ना कि सुरक्षा की बात अगर आती है, जैसे कि जेंट्स के मुकाबले लेडीज उतना नहीं अभी निकल पा रही हैं। सेफ नहीं है, अगर आप जेंट्स भी कहीं ऐसी जगह जाता है जहाँ पे मना किया जाता है मत जाइए, डेंजरस है, वहाँ भी जेंट्स के साथ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं लेडीज के साथ हो। हाँ, तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन लेडीज थोड़े फ्रजाइल होती है ज्यादा, तो उनको ज्यादा बोला था प्लीज आप जो सेफ रहिए थोड़ा सा, वो तो मैं बस इतना जानना चाह रही थी कि पहले के मुकाबले में जो चेंज आया है कि पहले औरतें ज्यादा नहीं निकलती थी घर से, या पहले उतनी सुरक्षित नहीं थी। मैं लखनऊ में पिछले 6 साल से रह रहा हूँ, मैं 6 साल से चेंज देख रहा हूँ, ये ग्रेजुअल चेंज है, पहले लड़कियां मैं कम देखता था, लड़कियां ज्यादा निकलती है, ज्यादा देर रात तक निकलती हैं, अभी तो पेंडेमिक आ गया था सबका बंद हो गया था, लेकिन पहले जो मैंने देखा लड़कियां पहले निकल नहीं, अब 10-11 बजे रात तक भी लड़कियां देखता हूँ, फ्री को घूमती हैं, मार्केटिंग करती हैं, तो पहले के कंपेयर में अभी बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई हैं, तो वो ये चेंज आगे भी होता रहेगा। अभी जो प्रीवियस सेफ्टी बात करता हूँ 10 साल पहले 15 साल पहले का, लड़कियाँ भी काफ़ी अवेयर हो गई हैं और उनको पता है कि उनके मतलब उनको करना क्या है।